तो आज बात करेंगे इनसे। सीमा, आप जेल से छूट कर आई हैं, तो आपको किस तरह से कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस कि अब हमारी कोर्ट की मैरिज हो जाए, वैसे तो हो गई है, कोर्ट की रहती है तो हो जाए, फिर बहुत शांति से रह जाऊँ, मुझे यहाँ नागरिकता मिल जाए, मुझे मेरे बच्चों को, फिर कोई चिंता नहीं। चाहती क्या है आप जो है, मतलब भारत की सरकार से और लोगों से चाहती क्या है, और पाकिस्तान की सरकार से क्या चाहती हैं? पाकिस्तान की सरकार से ये चाहती हूँ कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मैं वापस नहीं आऊँगी, किसी भी हाल में नहीं आऊँगी, मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हूँ, मैं अपना भला और बुरा समझ सकती हूँ, मुझे कोई प्रेशर कुछ भी नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से आई थी और मैं बहुत खुश हूँ सचिन के साथ, और वो तो कुछ बीच में आए बिना। और रही बात इंडियन की, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे यहाँ की नागरिकता दें और मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दीजिए, मुझे मेरे बच्चों के साथ। भारत की सरकार से आप क्या चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? यही अपील है कि मेरे पति को और मुझे आराम से रहने दें यहीं पर, और मुझे दे दें यहाँ की नागरिकता, ताकि मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज सकूँ और मैं पढ़ा सकूँ यहाँ पर। तो जेल में आपके साथ कैसा रवैया रहा, कि आप पाकिस्तानी महिला हैं, किसी ने कोई दुर्व्यवहार किया हो, किस तरह का व्यवहार रहा आपका वहाँ पे रहा, और यहाँ पर किस तरह का व्यवहार देखते हैं आप? वहाँ पे सभी रिस्पेक्ट कर रहे थे, जेलर साहब और जो लेडीज थी जेल पुलिस में, वो भी रीमा और शिवानी नाम था लड़कियों का, बहुत रिस्पेक्ट दे रही थी मुझे, सोनम, ये सब बहुत रिस्पेक्ट, ये सोच के कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे बच्चों को उठाती खिलाती थी, मेरे बच्चे तो वहाँ बिस्किट वगैरह सब कुछ वही देती थी, ऐसा लगता नहीं मेरे बच्चों को जेल है, वो घर समझते मम्मी घर चलो, जब हम जाते ना सोने के लिए तो यही समझते थे ये। और वहाँ की जो लड़की अंदर कैद थी, तो वो तो मुझे इतना खुश थी कि मैं हिंदू धर्म में आई हूँ, रश्मि पायल और तो आपको यहाँ जो लोग हैं परिवार, सचिन के परिवार के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, उनका किस तरह का व्यवहार अभी आपके साथ है? बहुत अच्छा है, मम्मी बहुत अच्छी हैं, पापा बाबा बहुत अच्छे हैं, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे बच्चों से भी करते हैं, बहुत अच्छे हैं। आप बता रहे थे कि आपने हिंदू धर्म अपना लिया है? जी सर, अपना लिया है बिल्कुल, मैं पूजा भी करती हूँ और उनके साथ पूजा में बैठी, मैंने आरती भी उतारी माता जी की, तो अपना लिया है, बाकी गंगा नहाना रहता है वो आज हो जाएगा। तो अब आप भारत ही रहना चाहती हैं, तो आपके जो पति दुबई और सऊदी अरब बैठे हुए जो वीडियो बनाकर जो अपील कर रहे हैं सरकार से, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? वो तो पहले तो बकवास ही कर रहे हैं, ऐसे ड्रामा कर रहे हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है, उसके पहले बीवी बच्चे हैं तो उनके साथ खुश रहे, मैं यहाँ खुश हूँ, और वैसे वो मेरे कनेक्शन में नहीं था, हमारे इस्लाम जो है उनका पाकिस्तान में ऐसा ही है कि 6 महीना रिलेशन ना हो तो फिर ऑटोमेटिक शादी टूट जाती है। आप बच्चों को भी अपना रहे हैं? आप बच्चों को भी अपनाएंगे और सीमा को भी अपनाएंगे, सब ये ही घर की मालकिन रहे। क्या ये जैसे बता रहे हैं कि हिंदू धर्म इन्होंने अपना लिया, इन दोनों की शादी पहले नेपाल में हो गई थी और फिर एक शादी दोबारा से जो है कोर्ट मैरिज करेंगे जो गंगा नहान के बाद में, क्या आपका क्या कहना है? गंगा इसका धर्म वो गंगा नहान रूपए और इनका जो है जयमाला करवा देंगे, या जैसे भी हमारे गांव के पब्लिक जो जैसे भी हमारे साथी हैं, हमारे चाचा ताऊ सब कुनवा गुटा जैसे ये वो करेंगे। आस पड़ोस के लोग जो आरोप या किसी तरह का कोई किसी को आपत्ति तो नहीं है कि वो पाकिस्तानी है, सब लोगों का कैसा रवैया किस तरह का है? नहीं नहीं किसी को आपत्ति नहीं, सभी खुशी हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।